Hello students, very warm good morning to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about hybridization. वैसे तो हम hybridization का concept already discuss कर चुके हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं sp3d hybridization के बारे में. We are going to discuss about sp3d hybridization in this lecture. So student, अगर हम बात करें sp3d में, हमें यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल clearly 1s3p एंड 1d orbital यहाँ पर involve होता है. देखिए बच्चे, ये जो डी ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो डी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर हो सकता है. इन दोनों ही केसेस में जब डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व होगा या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होगा तो शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो 1s3p एंड 1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व. अगर हम बात करें पहले एक जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर 1s जिसकी शेप ऐसी होंगी 3p 1 px py and pz दैट इज s. और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ dz अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो इट हैव डाउन अ शेप. ठीक है ना, बेबी सूदर एटम ऑर्बिटल भी इसको बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेबी सूदर ऑर्बिटल. तो ये कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल. इन सब की होगी बच्चे इंटरमिक्सिंग. ये हुआ s, ये हुआ px py pz और साथ में कहीं पर ये dz स्क्वायर. ठीक है, अगर ये मिलेंगे तो हमारे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जो कि बिल्कुल एक जैसे होंगे. और ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बेसिकली ऐसे नहीं होंगे, इन्होंने अपने आप को एक पर्टिकुलर स्पेस में एडजस्ट किया हुआ, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में एडजस्ट किया हुआ है. एंड व्हाट इज दैट ज्योमेट्री, दैट इज TBP, यानी कि 3, 4 और ये हो गए हमारे 5. यहाँ पर हमें छोटी छोटी 5 लोब भी बनानी पड़ेंगी. क्यों, क्योंकि हमने कहा कि एक बड़ी लोब और एक क्या होती है, छोटी लोब, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर मैं बात करूँ इसका नाम हो गया sp3d, इसका भी नाम हो गया sp3d, इसका भी नाम हो गया sp3d. ये सभी के सभी 5 के 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे. तो बच्चे ये जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं TBP, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप. ये बिल्कुल वैसी ही शेप है जैसे कि वेस्पर थ्योरी से हमें ऑब्टेन होती है. तो जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन करनी है sp3d, ये कॉन्सेप्ट तो सबके लिए सेम रहेगा. यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा. और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मेथड हमें वही फॉलो करना है, कौन सा, कि स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट. फॉर एग्जांपल लेट मी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ PCl5 की हम बात कर रहे हैं. देखिए फॉस्फोरस है सेंट्रल एटम, पहले आप निकाल भी लीजिए. चलिए फॉस्फोरस नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फॉस्फोरस होता है, तो नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 है तो फॉस्फोरस की भी वैलेंस शेल में 5 होंगे. वैसे आपको मालूम भी है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. तो 5 प्लस सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम 5/2 मीन्स 5. अगर 5 है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर x की वैल्यू क्या होती है 5, आप इसको h भी मान सकते हैं. अगर मैं कह दूँ h मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, अगर x की वैल्यू 5 है तो आप ये देखिए सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम है 5. इसका मतलब 5 के 5 हमारे पास क्या बनेंगे, बॉन्ड पेयर बनेंगे, 0 लोन पेयर बनेंगे. यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होगा इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा, सभी के सभी क्या होंगे, बॉन्ड पेयर. नाउ फॉस्फोरस का ग्राउंड सेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए. नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3, इसका क्या हो जाएगा 3s2 3p3, क्योंकि हमें वैलेंस शेल से ही मतलब होता है. ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया हमने 3s 3p 1 2 एंड 3. उसके बाद इसके पास एम्प्टी 3d ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, 3p दैट इज 2s, दिस इज द फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब हमें एक d चाहिए, डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s इट जंप टू द d ऑर्बिटल. एक s से इलेक्ट्रॉन d में जंप कर गया. अगर ऐसा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो कर दिया. अब देखिए आपके पास 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड हैं, और ये सभी आपस में ओवरलैप करेंगे लाइक दिस. इस तरीके से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल और फाइनली फॉस्फोरस की जो शेप होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की वो ऐसी होगी. यानी कि यहाँ तक सबका कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम. अब देखिए यहाँ पर 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन. अगर आप क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 17 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3s2 3p5, मीन्स पी के 5 में एक वैकेंसी होती है, 1 2 3 4 5, मीन्स ये वाला क्लोरीन
क्या करेगा, एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, दूसरे वाला क्लोरीन दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, तीसरा क्लोरीन तीसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग। इट मीन दैट अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है मैं इसी को कन्वर्ट करूंगी। देखिए तो हम कैसे बना सकते हैं, क्लोरीन के पी ऑर्बिटल की शेप होती है प्योरली डंबल शेप, क्योंकि वो पी ऑर्बिटल है, और ये जो हम बना रहे हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक इलेक्ट्रॉन खुद क्लोरीन का, एक इनके पास ऑलरेडी था, तो यहाँ पर हमारी शेप क्या बन गई, टी बी पी लाइक दिस। और अगर हमें वैसे बनानी हो तो फॉस्फोरस क्लोरीन 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 और क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो तीन, मैंने पहले भी जब वेस्पर कराया था तब भी आपको ये बात बताई थी कि तीन जो क्लोरीन होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं लाइक दिस, और जो दो क्लोरीन होते हैं वो इस प्लेन में होते हैं, एक ऊपर और एक क्या होता है नीचे होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये वाले जो बॉन्ड हैं इनको बोलते हैं बच्चे एक्सियल बॉन्ड्स, इनको क्या बोलते हैं एक्सियल, और ये वाले जो बॉन्ड होते हैं इनको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, इनको क्या बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर ऑलवेज लार्जर देन द इक्विटोरियल बॉन्ड, ये भी बात ध्यान रखनी है कि एक्सियल बॉन्ड इन पी सी एल फाइव आर लार्जर देन इक्विटोरियल बॉन्ड। अब देखिए दिमाग में ही आता कि ऐसे क्यों हुआ, ये सभी स्ट्रक्चर ऐसे भी तो अरेंज हो सकते थे, ऐसे भी तो बन सकता था क्लोरीन 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 क्लोरीन, मतलब सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होती एक जैसी होती, सभी एक ही जगह एक ही एरिया में क्या हो जाते सराउंड हो जाते। लेकिन बेटा ध्यान दीजिए, देखिए हमारे पास है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसको सराउंड कर रहे हैं पाँच बहुत बड़े बड़े क्लोरीन, क्या सराउंड कर रहे हैं फाइव बड़े बड़े क्लोरीन। अगर फॉस्फोरस को पांच बड़े बड़े क्लोरीन सराउंड करेंगे तो दे हैव टू फेस स्टीरिक हिंडरेंस, यहाँ पर इनमें आपस में स्टीरिक हिंडरेंस, इनमें आपस में स्टीरिक हिंडरेंस, सब में स्टीरिक हिंडरेंस हो रही है, और उस स्टीरिक हिंडरेंस के कारण ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो सकता। अगर ये स्टेबल नहीं है तो इनमें से कोई भी दो क्लोरीन जिनकी नेचर थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी वो इन तीन को कहते हैं कि आप रहिए इस प्लेन में, हम अपनी बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, और वो क्या हो गए एक ऊपर चला गया और दूसरा क्लोरीन क्या आ गया नीचे, जिसके कारण अब एक दो तीन, ये तीन जो हैं एक प्लेन में हैं, और ये एक क्लोरीन ऊपर चला गया और एक क्लोरीन नीचे चला गया, जिसके कारण ये वाली स्टीरिक हिंडरेंस क्या हो गई डिक्रीज, और ये भी एक दूसरे से क्या हो गए दूर। तो दैट इज़ वाई टू अटेन स्टेबिलिटी कैसे स्ट्रक्चर आता है टी बी पी। और बेटा कुछ भी कराने से पहले या कुछ भी बताने से पहले मैं हमेशा आपको एक बात कहूँगी कि जितने भी आप कंसेप्ट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन है, चाहे वो रेजोनेंस है, चाहे वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, चाहे कोई भी विस्पर है, ऑल दीज आर हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स विच आर यूज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये सभी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स हैं जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए गए। मीन्स पहले स्ट्रक्चर आता है और फिर उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम उसके अंदर कुछ थीरीज फिट कर देते हैं ना, कुछ कंसेप्ट्स उसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि हम उनको एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। नाउ इसी में मैं एक और एग्जाम्पल आपको करवाना चाहूँगी SF4 का, ठीक है। किसी का भी कुछ भी कंसेप्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्या करिए, एक्स निकाल लीजिए और वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। देखिए सल्फर के वैलेंस शेल में 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे ऑक्सीजन में 6 तो सल्फर में भी 6, प्लस 4 सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन डिवाइडेड बाय में 2 मींस 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो कंफर्म है कि कितनी है sp3d है, मतलब 1s3p एंड 1d, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये जो एक्स आ गया इससे आप ये चेक करिए क्या आपके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बचेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर सराउंडिंग एटम तो कितने हैं 4, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है 5, इसका मतलब बॉन्ड पेयर तो कितने बनेंगे 4, इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि एक आपके पास लोन पेयर बनेगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ये निकालने से आपको ये पता चलेगा कि आपको वहाँ पर आपके स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर भी रखना पड़ेगा, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको एक्साइट नहीं करवाने हैं, ठीक है। तो 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, और ऐसा क्यों करते हैं, मैंने कहा क्योंकि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। नाउ लेट वी मूव ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, देखिए बच्चे कितना होगा, ऑक्सीजन का होता है 2s2 2p4, इसका हो जाएगा 3s2 3p4, और ध्यान रखिए यहाँ पर गैसेज है नोबल गैसेज जिनको मैं कंसिडर नहीं करी क्योंकि मैं सिर्फ वैलेंस शेल को कंसिडर कर रही हूँ, दैट इज नियोन 10 और 16, ठीक है। मीन्स दिस इज द वैलेंस शेल, इसमें आप शो करें इट हैव 2 इलेक्ट्रॉन, पी हैव 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, एंड आफ्टर दैट इट हैव
डी ऑर्बिटल, 3D, 3P, 3S, दैट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, मुझे एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए डी में, ऑब्वियस है, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पी इट जंप टू द डी ऑर्बिटल। वैसे तो हमें इसको भी यहाँ पर जंप करवा देना चाहिए, लेकिन पहली बात तो हमें डी एक ही चाहिए, दूसरी बात हमें स्ट्रक्चर से पता चला कि हमें एक लोन पेयर भी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्साइट करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 3s, 3p, 1, 2 एंड 3 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इनटू द डी ऑर्बिटल, 3s, 3p एंड 3d जिसमें एक है। अब ये सब मैंने आपको कहा था कि जो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, हमने कहा था कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होते हैं, लोन पेयर आर काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, जबकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अगर आप चेक करेंगे 3s, 3p, 3d, तो 3s के केस में ये सभी वही s, pds, जो कंसेप्ट मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में किया है, उन सब होने के बाद, सब कुछ इंटरमिक्सिंग होने के बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर आया जो कि कैसा है, ऐसा, जो कि किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर, और ये सभी क्या है, sp3d, मींस ये सब जो कि अलग अलग एनर्जी के थे, अब मिलकर ये सभी एक जैसे हो गए हैं और इन सब के पास क्या है, दे हैव वन इलेक्ट्रॉन, और ये सब क्या है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमने कहा था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग है, किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की, क्या बनाने के लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए, जिनकी शेप क्या हो एक जैसी, जिनकी एनर्जी क्या हो एक जैसी, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को नेचर में ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, एक जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चे, उसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सबके पास क्या है, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है। अब देखिए किसने आना, फ्लोरीन ने आना है, फ्लोरीन के पास हमें मालूम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 होता है, किसका बच्चे, फ्लोरीन का, इट मीन दैट फ्लोरीन की लास्ट जो शेल है पी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मीन्स इसका जो एक है वो हाफ फिल्ड है, ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, कितने फ्लोरीन, 4 हैं, तो 4 फ्लोरीन क्या करेंगे, यहाँ ओवरलैपिंग देखिए, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, और यहाँ पर आ नहीं सकता था कोई भी फ्लोरीन, वैसे तो हमारे पास है ही नहीं, वैसे भी नहीं आ सकता था, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, इन सब के आप इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, एक फ्लोरीन लेकर आता है, तो वो सब यहाँ पर क्या कर देता है, ऐसे पेयरिंग, ठीक है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चे अगर इसके स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करें, तो हमने कहा स्ट्रक्चर कैसा हुआ, सल्फर, फ्लोरीन, 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 और यहाँ पे मैंने लगाया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हमने सीसा बोला था, इसकी जो शेप थी ज्योमेट्री TBP थी, है ना, वेस्पर में भी हमने ऐसे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए थे। तो बच्चे अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपने ये जो लोन पेयर है वो यहीं पर क्यों लगाया है, व्हाई यू प्लेस द लोन पेयर हेयर, इस लोन पेयर को आप यहाँ भी तो लगा सकते थे, इसको यहाँ पर भी तो लगा सकते थे, यहाँ पे लगा दो एक बात है, और इन तीनों जगह लगा दो एक बात है, क्योंकि ये तीनों एक प्लेन में है और ये दो एक प्लेन में है, कहने का मतलब इस लोन पेयर को यहाँ या यहाँ क्यों नहीं लगाया गया। देखिए बच्चे, शुरू से हम जितना भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं, वो क्या, कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए और रिपल्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। देखिए क्यों, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हमें नोट करनी है, वो क्या इम्पॉर्टेंट बात है, कि हमें चेक करने, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें क्या चेक करना है, वी हैव टू चेक लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन चेक नहीं करने एट 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री पर किसी भी स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर और कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही लोन पेयर है, है ना, इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में क्या हो सकते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो सकते हैं। चलिए मैं एक स्ट्रक्चर और यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, जिसमें यहाँ पर मैंने लोन पेयर रखा और यहाँ पर रख दिया इसकी जगह फ्लोरीन, लाइक दिस, ठीक है। अब आप चेक करिए, ये वाला जो लोन पेयर है बच्चे, वो इस प्लेन में है, यहाँ पर ये लोन पेयर है, इधर आप मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है,
ठीक है, ये दिस इज लोन पेयर। अब ये वाला जो फ्लोरीन है, ठीक है, और कौन सा, ये वाला जो फ्लोरीन है इसके साथ इसका कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली ये वाला जो फ्लोरीन है, मैं पहले इसकी बात कर रही हूँ, इसका इसके साथ कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। अगर आप इनकी और इनकी बात करें, ये तो 120 का एंगल है। मैंने कहा 120 हमें चेक नहीं करना, ना हमें 180 चेक करना। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, दो। इस स्ट्रक्चर में आप चेक कीजिए, अब ये लोन पेयर है, दिस इज लोन पेयर, तीन फ्लोरीन है, कहाँ, एक फ्लोरीन ये रहा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये वाला इसके साथ 90 का रिपल्शन, इसके साथ 90 का रिपल्शन, इसके साथ, मतलब इसके इसके और इसके साथ इसका 90 डिग्री का रिपल्शन होगा। अगर ऐसा होगा तो इसमें क्या हुए, तीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री के रिपल्शन। तो आप ये बताइए, जिसमें रिपल्शन ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी तो क्या होगी, कम होगी। इट्स मीन दैट दिस स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज मोर स्टेबल। इसीलिए जब भी लोन पेयर आएंगे, वेस्पर ने भी यही बात कही थी कि वो किस में आएंगे, इस ट्रायंगुलर वाले प्लेन में आएंगे, ऊपर और नीचे वाले प्लेन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्शन से स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की घट जाती है। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू चेक द रिपल्शन बिटवीन दीज लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अगर लोन पेयर होंगे नहीं तो हमें नहीं चेक करने, हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर चेक करने हैं, ठीक है। नाउ लेट वी डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल जिसमें हम दो लोन पेयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट वी डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ सी एल एफ थ्री। तो बच्चे सबसे पहला काम तो मैं कहती हूँ कि एक्स डिटरमाइन कर लीजिए, क्लोरीन के पास होते हैं 7 प्लस 3 सराउंडिंग बाय 2 मीन्स 5, 5 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन तो कन्फर्म है कि sp3d है, ठीक है। CLF3 में हाइब्रिडाइजेशन तो कितनी है, sp3d, 3, 4, 5। लेकिन यहाँ पर आप चेक करिए कि 5 में से 3 तो आपके बनेंगे बॉन्ड पेयर, मीन्स कन्फर्म है 2 क्या बनेंगे, लोन पेयर। ये चीज़ पहले निकालने से आपका स्ट्रक्चर कभी गलत नहीं हो सकता। अदरवाइज तो हम क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर से शुरू कीजिए, क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3s2 3p5। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1, 2, 3, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पड़ा हुआ है एम्प्टी 3d 3p एंड 3s। दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चे देखिए, एक तो हमें डी चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, और दो हमें लोन पेयर चाहिए। अगर हम क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पी इट जंप टू द डी ऑर्बिटल, यहाँ से करवा दो, यहाँ से करवा दो, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पी से जंप कर गया कहाँ पर, डी पे, और अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ये, मीन्स 1s 3p एंड 1d, जिसमें से आप देख रहे हो ये वाला ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड है, ये वाला ऑर्बिटल भी फुली फिल्ड है, तीन ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हैं, लेकिन ये सभी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल और 5 छोटी लोब्स। अब देखिए ये सब क्या है, sp3d हैं, ऑल आर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब सेम वही 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनमें 1, 2, 3, 4, 5 और 2 के पास क्या है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। 2 तो क्या ऑलरेडी भरे हुए हैं, लेकिन 3 क्या है, हाफ फिल्ड है, मतलब ये 2 तो लोन पेयर की तरह रहेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा था लोन पेयर कहाँ लगाने हैं, यहाँ पर लगाने हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर कहीं पर भी लगा दो ट्रायंगल में, तो इट डजंट मैटर, ठीक है। और बाकी सबके पास क्या है, दे हैव वन इलेक्ट्रॉन ईच। किसने आना है, फ्लोरीन ने। फ्लोरीन का भी पी ऑर्बिटल, तो ओवरलैपिंग करवा दीजिए, देखिए एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ, एक एक अपना इलेक्ट्रॉन खुद से लेकर आएंगे, इसलिए स्ट्रक्चर क्या हो गया, देखिए CLF, लोन पेयर, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। मीन्स कैसा शेप है, टी शेप है, ये हमें वेस्पर ने भी बताया था। और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसी है, TBP, मतलब हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स उन्होंने दिए थे, ठीक है। दिस इज़ टी शेप और ज्योमेट्री क्या है, TBP। अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर क्यों हमने लोन पेयर रखे, लोन पेयर ऊपर क्यों नहीं रखे गए हैं। देखिए फटाफट इसको मैं समझाती हूँ। मान लीजिए
अगर एक लोन पेयर होता यहाँ पर, एक लोन पेयर होता यहाँ पर और बाकी तीन फ्लोरिंग होते यहाँ पर। तो बच्चे ये तो सबसे खतरनाक वाला स्ट्रक्चर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का लोन पेयर रिपल्शन है। दे हैव अ लोन पेयर रिपल्शन, वन लोन पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। मतलब ये स्ट्रक्चर तो कभी बन नहीं सकता, ये वाला स्ट्रक्चर तो कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो बन सकता था कि ऐसा हो, सी एल यहाँ पर लोन पेयर हो, यहाँ पर लोन पेयर हो और ये तीन फ्लोरिंग हो ऐसे। अब चेक कीजिए, इसके साथ ये जो ऐसे यहाँ पर खड़ा होता है इसका, और ये जो तीन होते हैं इनका 90 डिग्री का एंगल होता है, इसका भी इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल है। मतलब इस स्ट्रक्चर में इस लोन पेयर का इन तीनों के साथ 90, इस लोन पेयर का इन तीनों के साथ 90, मीन्स सिक्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसके अंदर लोन पेयर रिपल्शन नहीं है। क्यों? ये तो 180 का रिपल्शन है जो कि हमें काउंट नहीं करना। इसमें चेक करिए, लोन पेयर 120 का है जो कि काउंट नहीं करना है। अब देखिए इस फ्लोरिन के साथ ये वाला यहाँ पर क्या है, ये दो लोन पेयर है, दिस टू आर लोन पेयर, ये हमारा क्या है बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90, सिमिलरली ये जो नीचे खड़ा हुआ है इसका इसके साथ 90 और इसका इसके साथ 90। इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये इससे 120 के एंगल पर है। मतलब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास चार लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो आप खुद बता दीजिए कि ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होगा कि ये होगा या ये होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। दैट इज़ वाई लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजिशन, नेवर ऑक्यूपाई एक्सियल पोजिशन। इसीलिए ऑक्यूपाई करते हैं किसको, इक्विटोरियल पोजिशन को। तो इस कंसेप्ट को भी दिमाग में रखना है कि वाई द लोन पेयर्स आर ऑक्यूपाइड एट दिस पोजिशन, ठीक है। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ XEF2, यू कैन टेक लास्ट एग्जाम्पल और मैं फटाफट बता देती हूँ XEF2। देखिए काउंट करिए, 8 प्लस 2 सराउंडिंग बाय 2 5, 5 है तो पक्का sp3d है। और इस 5 में से चेक करिए बच्चे कितने हमारे पास हैं, दो बॉन्ड पेयर और तीन क्या हैं लोन पेयर। इट्स मीन दैट इन दिस स्ट्रक्चर वी हैव टू बॉन्ड पेयर एंड थ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन दैट फटाफट जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या यहाँ से पता चलेगा, ज़ीनोन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे इसका होगा 5s2 5p6, क्योंकि ns2 np6 होता है और ज़ीनोन में 5s और 5e यहाँ पर फर्दर जो भी नोबल गैस आएगी। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया 1 2, P ऑलरेडी फुली फील्ड है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर बच्चे क्या है, एक हमारे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, क्या 5d 5p 5s, ये ग्राउंड स्टेट है। एक डी में चाहिए, तीन लोन पेयर चाहिए। हमारे पास अभी कितने लोन पेयर हैं, चार लोन पेयर हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर जंप कर जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पी जंप टू द डी ऑर्बिटल, अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। 1 2 3 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, और ये सब मिलकर क्या बना देंगे, वही हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर लाइक दिस। और इसमें ये तीन हमारे हो गए लोन पेयर, ये दो हो गए बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि फ्लोरीन आना था, ये एक फ्लोरीन, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि इसका एड इज XEF2। स्टूडेंट इसी तरीके से आप नंबर ऑफ एग्जांपल कर सकते हैं, XEOF2 आप खुद निकाल के देख लेना इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, ठीक है ना। XEOF2 की हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल के खुद देख लेना और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेना इसका खुद से, क्योंकि इतने एग्जाम्पल करवाने के बाद हर टाइप के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करवाए हैं। चाहती तो मैं जनरल कॉन्सेप्ट करवा के यहाँ पे छोड़ देती और कह देती बाकी सब ऐसे होंगे, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का पता चलेगा, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स इनमें से मैं आपको बताऊंगी, कुछ एग्जांपल्स आप खुद करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टार्ट विद जर्नल केस, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब तक आप इतना समझ गए होंगे यहाँ पर 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, और जो d ऑर्बिटल यहाँ पर 2d इन्वॉल्व होते हैं वो 2d होते हैं, dx2y2 and dz2। ऐसे भी क्वेश्चन कभी भी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन से 2d इन्वॉल्व होते हैं, तो dx2y2 और dz2 2d ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। इट्स मीन दैट बच्चे 1s 1px py pz प्लस dx2y2 एंड डी
जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डाउनट शेप, और ये हमारा सिंपल है दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये कितने ऑर्बिटल्स हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 के 6 इंटरमिक्स करेंगे, ये हो गया हमारा इंटरमिक्सिंग, एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर, और इसी में बीच में कहीं पर ये वाला, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप बन जाएगी। और ये सभी इंटरमिक्स करके कितने 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी शेप बिल्कुल एक जैसी होगी, यानी कि एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब, इन सब की अलग अलग शेप थी लेकिन इसकी शेप कैसी है, एक जैसी है ना, 6 के 6, एक बड़ी और एक छोटी। और ये अपने आप को नेचर में एडजस्ट कैसे करते हैं बच्चे, ये नेचर में आपको अपने आप को एडजस्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप में, मीन्स लाइक दिस, 4 ऐसे और 2 like this, इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन गए, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी शेप कैसी है, ओक्टा हेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। जैसे वेस्पर ने कहा था बिल्कुल वैसी ही शेप है, तो ओक्टाहेड्रल। ये सब क्या है, sp3d2 सबके सब sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और इसी को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जांपल, दैट इज ये इतनी बातें आपको आराम से अब तक समझ में आना शुरू हो गई होंगी कि हम ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है। SF6 से हम स्टार्ट करते हैं, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम SF6। देखिए सल्फर जो होता है उसकी वैलेंस शेल में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है, और सराउंडिंग एटम कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाय में 2 मीन्स 6। अगर 6 आई है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, देन ऑब्वियस हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2, क्योंकि 2, 3, 5 और 1, 6 sp3d। अब इस 6 में से हमें ये चेक करना है सराउंडिंग एटम कितने हैं, 6, इसका मतलब 6 के 6 यहाँ पर बॉन्ड पेयर बनने वाले हैं और लोन पेयर नहीं बनने वाला है, मतलब एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनने वाला है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनने वाला है जिसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। होगा क्या, फिर से वही सल्फर का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप कहेंगे, तो 3s2 यहाँ पर क्या ऑक्सीजन के जस्ट नीचे है, तो 3p4, ऑक्सीजन का 2s2 2p4 होता है, सल्फर का 3s2 3p4। अब यहाँ पर आप चेक करें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैव 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 एंड 4, देन इट हैव एम्प्टी 3d ऑर्बिटल, 3p 3s, ये क्या था, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन हमें दो हाफ फिल्ड डी चाहिए, तो वन फ्रॉम द एस वन फ्रॉम द पी दे जंप टू द डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपके दिमाग में हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहेगा, कभी तो दो आप क्या करते हो, कभी तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देते हो, कभी नहीं करवाते हो। मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पहले आया फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर कोई लोन पेयर तो था नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको छोड़ नहीं सकते, ना इसको छोड़ सकते, और वैसे भी हमें 2d चाहिए हाफ फील्ड, तो इनको एक्साइट करवाना ही हमें पड़ेगा, मीन्स हमारे पास फाइनल सिचुएशन क्या आई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप कर गया और हमारे पास क्या हुए, 2d 3p और 1s हाफ फील्ड हुए, इसीलिए ये सब मिलेंगे, ये प्रोसेस करेंगे और फाइनली ये स्ट्रक्चर बना देंगे, मतलब ये है हमारा सल्फर का हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। सल्फर का क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सब क्या है, sp3d2 सब ऑल आर sp3d2, और सबके पास क्या है बच्चे, दे ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सब मिले और इन्होंने इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए, ठीक है, जिनकी एनर्जी एक जैसी है, जिनकी शेप एक जैसी है लाइक दिस। तो स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए किसने आना है, फ्लोरीन ने, कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन की वैलेंस शेल में होता है np5, p5 का मतलब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस यहाँ पर 6 फ्लोरीन ऐसे लगा देने हैं, दैट इज फ्लोरीन लाइक दिस, ठीक है, दिस इज फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, सब अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए हैं पी वाला, और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन गया एस एफ 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 और एफ, ये 4 एक प्लेन में हैं और ये 2 एक प्लेन में हैं, हालांकि इन सब की बॉन्ड लेंथ बराबर है, ये भी बात ध्यान रखनी है, इस केस में सबकी बोन लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ऑल द 6 ऐसा बोन लेंथ्स आर इक्वल, जबकि PCl5 में 3 बोन लेंथ एंड 2 बोन लेंथ आर डिफरेंट, एक्सियल और इक्विटोरियल बोन लेंथ वहाँ पर अलग अलग थी, लेकिन SF6 के केस में
जो बोन लेंथ है वो सभी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा। तो ये होगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल कंसेप्ट है, अब तक सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गई होंगी। IF5 का और मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। लेट मी स्टार्ट विद IF5, ठीक है। सब में काम एक ही करना है, क्या? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयोडीन 7 होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, प्लस सराउंडिंग एटम है 5, कितने हो गए 12 डिवाइडेड बाय में 2 मीन 6, एक्स की वैल्यू 6 है। नोट करिए, इसमें 5 बोन पेयर बनेंगे और एक क्या बनेगा, लोन पेयर, वन लोन पेयर। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको लोन पेयर रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो हम करेंगे आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। फ्लोरीन में होता है हमारा 2s2 2p5, उसमें क्लोरीन में हो जाएगा 3s2, ब्रोमीन में हो जाएगा 4s2, आयोडीन में क्या हो जाएगा 5s2 5p5। दिस इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रिप्रेजेंट कीजिए बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन, इट हैव 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, एंड फाइनली वी हैव एम्प्टी 5d ऑर्बिटल, 5p 5s, ग्राउंड स्टेट। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तो, दो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए हमें डी में, और एक चाहिए हमें लोन पेयर। देखिए ऐसे चेक करिए, बिल्कुल इजीली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर जाए, जंप इनटू द डी ऑर्बिटल। अगर ये डी ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन बचती है, हमारे पास बचता है एक लोन पेयर, दिस वन। 3 हमारे पास बच गए, 1 2 3, और 2 हमारे बच गए यहाँ पर, 1 2, मीन्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ इंटरमिक्सिंग, और फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर, जिनमें से सिर्फ एक डिफरेंस है कि एक हमारे पास क्या है, वी हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देन डेफिनेटली ये क्या बन गए हमारे, 6 sp3d। इसमें 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें से ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे बोन फॉर्मेशन में। तो फ्लोरीन ही था यहाँ पर भी, तो फ्लोरीन, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा बन गया, दैट इज आई यहाँ पर लोन पेयर, फ्लोरीन एंड इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर बन गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लास्ट एग्जांपल एक और बता देती हूँ BrF5, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आसानी से आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन लेट मी टॉक अबाउट BrF4 नेगेटिव। देखिए ब्रोमीन में 7 प्लस सराउंडिंग कितने हैं बच्चे, 4 हैं, और प्लस 1 किसके लिए, माइनस के लिए, तो कितना हो गया ये 12 डिवाइडेड बाय में 2 और 6, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, एक्स कम आउट टू बी 6। और जब एक्स की वैल्यू 6 आई है, सराउंडिंग एटम चेक कीजिए कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास बनेंगे 4 बॉन्ड पेयर और क्या बनेंगे, 2 लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर बनने वाले हैं और 2 क्या बनने वाले हैं, लोन पेयर बनने वाले हैं। तो आप ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि ब्रोमीन के केस में, फ्लोरीन के केस में होता है 2s2 2p5, क्लोरीन के केस में 3s2, इसके केस में क्या हो जाएगा 4s2 4p5, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरेंज कीजिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, p के अंदर क्या है 5 1 2 3 4 5, और d जो है हमारा वो एम्प्टी है, कोई ऑर्बिटल इसके अंदर नहीं है, 4d 4p 4s। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्यों कॉम्प्लिकेशन है, हमें चाहिए 2 तो लोन पेयर और 2 चाहिए डी में ऑर्बिटल। देखिए अगर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट करवा दिए तो हमारे पास लोन पेयर नहीं बचेंगे, 2 लोन पेयर चाहिए, समझ आ रही है बात। अगर मैंने ये 2 एक्साइट करवा दिए तो हमारे पास 2 लोन पेयर बचेंगे नहीं, और अगर हमने एक को ही एक्साइट करवाया तो डी में हमारे पास आएगा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि डी तो हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो बच्चे इस केस में, दिस इज अ वेरी स्पेशल केस इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ BF3, और BF3 में 1 F नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेगेटिव, ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव चार्ज किसके पास होगा,
चारों फ्लोरीन में से किसी एक फ्लोरीन के पास, विच इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। और फ्लोरीन तो क्या है, सारे ही एक जैसे हैं, मतलब चारों में से किसी एक फ्लोरीन के पास आप बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि बोरोन से फ्लोरीन क्या है ज़्यादा, ब्रोमीन से क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जो एक आप बोल सकते हो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6। एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो है उनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, ये वाला जो फ्लोरीन है वो इस ब्रोमीन को डेटिव बॉन्ड देगा, मतलब एक यहाँ पर जो बॉन्ड बनने वाला है वो बनने वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जिनमें एक ही स्पीसीज अपने दोनों के दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीसीज को डोनेट करती है, लेकिन शेयर उसको दोनों ही करते हैं। डेटिव बॉन्ड अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम उसको जरूर पढ़ेंगे। तो बच्चे यहाँ पर होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हो जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम हेयर, एंड अनदर वन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो होगी डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। मीन्स एक फ्लोरीन जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा, मींस जो स्ट्रक्चर बनेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस डेटिव बॉन्ड वंस फॉर्म्ड इट इज इक्विवेलेंट टू कोवलेंट बॉन्ड। एक बार डेटिव बॉन्ड बन जाता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड की शेप ले लेता है। तो यहाँ पे इसका मतलब sp3d2, जिसमें से दो लोन पेयर, दो तीन हमारे क्या बन रहे हैं बॉन्ड पेयर, और उसमें से एक बॉन्ड पेयर कैसा है डेटिव है। मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, br यहाँ पे हमने कहा चार हमारे पास क्या है फ्लोरीन है, दो हमारे पास क्या है लोन पेयर है, लेकिन इनमें से एक जो फ्लोरीन है वो क्या बना रहा है डेटिव बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ ब्रोमीन के साथ। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने कहा है दिस इज़ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें आपको बुक में मे भी कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप इनको कोशिश करिए कि आप समझिए कि कैसे यहाँ पर डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट अराइज हुई, क्योंकि ये वाला फ्लोरीन फुली फिल्ड था। इस फ्लोरीन ने देखिए हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है, देखिए एक एक जो हमारा था एक हमारा फ्लोरीन था उसने इसके साथ बॉन्डिंग, एक फ्लोरीन ने इसके साथ बॉन्डिंग, एक फ्लोरीन ने इसके साथ बॉन्डिंग, और जो एक एफ नेगेटिव था ना बच्चे उसने क्या किया, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास ये वाला फुली फिल्ड था, तो इसने क्या किया इसको अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड बना, और उस डेटिव बॉन्ड को एक बार बनने के बाद जब बनता है तो उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड को किसके इक्विवेलेंट कोवलेंट बॉन्ड के इक्विवेलेंट ही काउंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई डेटिव। यानी कि अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ तो उसमें कुछ फर्क नहीं रहेगा, हाइब्रिड तो वही बनेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी चार लो, और यहाँ पर ये वाले जो ऑर्बिटल हैं इनमें तो कौन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, ये है ये लोन पेयर, और एक जगह यहाँ पर क्या बन रहा है फ्लोरीन के साथ डेटिव बॉन्ड बन रहा है, लेकिन वंस द डेटिव बॉन्ड फॉर्म इज कंसीडर इक्विवेलेंट टू कोवलेंट बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर यही बनेगा, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक फ्लोरीन के साथ क्या बन रहा है डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हम ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर पाए। बाकी एग्जांपल्स हैं, एक दो मैंने लिखे हुए हैं, वो एग्जांपल्स आप अपने आप करिएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो ऑलरेडी मैंने कहा है कि यही होगी, लेकिन आप एग्जांपल्स को ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जो हमारी लास्ट हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d3। तो भी ऐसा दिख रहा है 1s 3p एंड 3d, और ये जो तीन डी इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हैं dxy dyz एंड dxz, यानी कि ये जो तीन डी हैं वो कौन से हैं dxy dyz dxz, ये तीन और डी इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इसका मतलब मैं कहूँ 1s 3p एंड 3d मीन्स dxy dyz dx, मतलब इनको किसी भी डायरेक्शन में बना दो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और आप देखना इनकी जब इंटरमिक्सिंग होगी तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना खतरनाक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनने वाला है। और ये सब जब इन्वॉल्व होंगे तो टोटल 3, 3, 6 और 7, कितने 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनने वाले हैं। और ये जो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं बच्चे, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, मीन्स ऐसे यहाँ पे एक पेंटागन बनता है, एक फ्लावर बना दीजिए,
और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर छोटी लोब्स भी बनानी जरूरी हैं, क्योंकि ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 7 बड़ी 7 छोटी लोब। तो ये सब क्या हैं? 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं IF7 का। IF7 आयोडीन 7 प्लस सराउंडिंग 7 डिवाइड बाई में 2 यानी कि 7। चेक करिए 7 के 7 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर यहाँ पर 0 होंगे, इसका मतलब बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। वही आयोडीन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एम्प्टी डी पड़ा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें 3 डी चाहिए, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से जंप कर जाएंगे कहाँ पर, डी में, क्योंकि हमें लोन पेयर तो चाहिए नहीं था इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हमारे पास कितने 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑब्टेन हो गई, और जिनका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, मीन्स ये किसका स्ट्रक्चर है? आयोडीन का हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर किसने आना है? 7 फ्लोरीन ने, लगा दीजिए भाई 7 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और इस तरीके से ये बन गया हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ IF7, जिसमें ये सब फ्लोरीन है, सेंट्रल एटम आयोडीन है, और इस तरीके से ये सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन लेकर आया, एक आयोडीन के पास खुद के पास था। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप एग्जांपल SbX63 नेगेटिव ये भी डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी यही होगी। देखिए Sb कौन से ग्रुप में आता है? 5th में, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो यहाँ पर 5 और 3 8 और 8 और 6, ठीक है ना, 14 डिवाइड बाई में 2 7, इसका मतलब यहाँ पर 7 आएंगे, लेकिन उनमें से एक बचेगा बॉन्ड लोन पेयर और 6 बचेंगे बॉन्ड पेयर, और इनमें से किसी एक पोजीशन पर आप लोन पेयर दिखा सकते हैं, तो ये आप अपने आप कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे भी हैं जैसे लोन पेयर के कुछ और एग्जांपल्स, अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी हाइब्रिडाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अमोनिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है या किसी और का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम जो भी एग्जांपल आप चाहें, जिस भी तरीके का एग्जांपल आप हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड चाहें, वो सभी एग्जांपल्स हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, वो बच्चे मैं 12th क्लास के जब लेक्चर्स अपलोड करूँगी तो वहाँ से आप ले लीजिएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वो हाइब्रिडाइजेशन करवाने लगी तो कम से कम 3 लेक्चर वहाँ पर लग जाएंगे, क्योंकि वो एक काफ़ी लेंदी आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे।